Swayam Prabha, Digital India, Educated India. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स दिस इज डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी एच यू दिस इज माई एट्थ लेक्चर एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी यह मेरा आठवां लेक्चर है मैं आज आपको संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में भारतीय संहिता के अंतर्गत क्या प्रावधान किए गए हैं कोई भी व्यक्ति अपनी संपत्ति या अन्य व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा के लिए किस सीमा तक बल प्रयोग कर सकता है जिससे कि आक्रामकता या आइसलैंड जिसने संपत्ति पर कब्जा करने का प्रयास किया है या संपत्ति के विरुद्ध कोई भी अपराध करने का प्रयास किया है तो उस अभियुक्त को संपत्ति की पहुंच संपत्ति से बेदखल करने के लिए भारतीय जनसंहता के अंतर्गत संपत्ति स्वामी को या कब्जाधारी को क्या अधिकार प्रदान किए गए हैं इसके विषय में मैं आज आपको बताने जा रहा हूं जैसा कि आप सभी जानते होंगे भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत आपराधिक दायित्व को निर्धारित करने का जो परम आवश्यक तत्व है वह है मिन्सरिया गिल्टी इंटेंशन क्रिमिनल इंटेंशन कोई कार्य व्यक्ति को अपराधी नहीं बनाता जब तक वह दूषित आशय के साथ न किया गया हो इस व्याख्यान के अंतर्गत मैं उन परिस्थितियों की बात करने जा रहा हूं जिन परिस्थितियों में किए गए कार्य को दूषित आशय के अभाव में क्षम्य घोषित किया जाता है जैसा कि भारतीय जनसंहिता के अध्याचार के अंतर्गत सामान्य अपवाद जनरल डिफेंसिस शब्दावली का प्रयोग किया गया है कि आपराधिक मामलों में वे कौन से परिस्थितियाँ होंगी जिन परिस्थितियों में व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा जाए इसके लिए अध्याय चार के अंतर्गत जो सामान्य प्रतिरक्षाएँ हैं जनरल डिफेंसेज हैं उसको दो भागों में कैटेगराइज किया जा सकता है बांटा जा सकता है एक तो वे कृत्य जो क्षमा योग्य हैं एक्सक्यूजेबिल एक्ट दूसरा न्यायोचित कृत्य जस्टिसेबिल एक्ट वे कृत्य जो क्षमा किए जाने योग्य हैं दूषित आशय के अभाव में और वे कृत्य जो न्यायसंगत ठहराए जाते हैं यद्यपि कि कर्ता को डूअर को यह ज्ञात होता है कि जो वह कार्य कर रहा है उस कार्य से व्यक्ति को अपहान हो सकती है परंतु अपहान कारित करने का आशय न होते हुए सद्भाव पूर्वक किया गया कार्य होता है इसलिए उस कार्य को न्याय ठहराया जाता है तो यदि हम अध्याचार की बातों को जनरल डिफेंसेस को सामान्य जो प्रतिरक्षाएं हैं, हैं उसको हम दो भागों में बांट दें एक्सक्यूजेबल एक्ट और जस्टिसबल एक्ट जो अध्याचार के अंतर्गत धारा छिहत्तर से लेकर के 106 तक के प्रावधान हैं उन प्रावधानों के अंतर्गत या तो दुराशय अनुपस्थित होता है या तो दूषित आशय के अभाव में कार्य किया गया होता है इसलिए उस कार्य को क्षम किया जाता है क्रिमिनल लाइबिलिटी से या न्यायसंगठ ठहरा जा ठहराया जाता है परिस्थितियाँ इसकी डिमांड इस प्रकार की परिस्थितियों में कर्ता के द्वारा कार्य किया जाता है तो उसके कार्य को न्यायसंग ठहरा दिया जाता है जैसे धारा 76 से लेकर के 77 78 धारा 80 धारा 82 उदाहरण के तौर पर यदि मैं बताऊं कि धारा बयासी के अंतर्गत सात वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा किए गए कार्य को अपराध नहीं माना जाता अपराधिक दायित्व से उसे मुक्त रखा गया है इसका केवल और केवल अर्थ यह है कि सात वर्ष से कम आयु के बालक का दूषित आशय होता ही नहीं वह उसका मानसिक स्थिति इतनी परिपक्व नहीं होती कि वह गलत अच्छे और बुरे में भेद कर पाए इसलिए चूंकि अच्छे और बुरे में भेद करने की क्षमता नहीं होती इस आधार पर आपराधिक विधि सात वर्ष से कम आयु के बालक के द्वारा किए गए किसी कार्य को छ में घोषित करता है यहाँ पे मिन्स्रिया नहीं होती मिन्स्रिया एबसेंट है वैसे ही धारा 84 के अंतर्गत अनसाउंड पर्सन व्यक्ति के द्वारा किए गए अस्वस्थ मस्तिष्क के व्यक्ति के द्वारा किए गए कार्य को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो अपनी मानसिक स्थिति के कारण मानसिक अस्वस्थता के कारण यह भेद कर पाने में कि वह जो कार्य कर रहा है विधि विरुद्ध है या गलत है उसे आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है वह इसलिए कि चूंकि अपराध के लिए दूषित से मिन्स्रिया एक आवश्यक तत्व है चूँकि ऐसी स्थितियों में न तो अस्वस्थ व्यक्ति को न तो पागल का पागल व्यक्ति का मानसिक स्थिति या आपराधिक आशय नहीं होता अतः तो इस आधार पर उसे उसके द्वारा किए गए कार्य को एक्सक्यूज किया जाता है दैट एक्ट इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम क्रिमिनल लाइबिलिटी उस कृत्य को आपराधिक दायित्व से क्षम्य रखा गया है अब आते हैं वे कृत्य जो न्याय संगठ ठहरा दिए जाते हैं परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि उस परिस्थितियों में किए गए कार्य को न्यायोचित ठहराया जाता है यद्यप कि कर्ता को यह ज्ञात होता है कि जो वह कार्य कर रहा है इससे क्षति हो सकती है जैसे कि धारा सौ के अंतर्गत उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिन परिस्थितियों में कोई भी व्यक्ति अपनी शरीर या दूसरे व्यक्ति के शरीर पर हुए हमले को विफल करने के लिए हमलावर की कारित कर सकता है ठीक उसी प्रकार भारतीय जनसंहिता की धारा 103 के अंतर्गत अपनी संपत्ति या दूसरे व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा के लिए कोई भी व्यक्ति हमलावर की मृत्यु कारित कर सकता है ई धारा एक के अंतर्गत और सौ के अंतर्गत बल प्रयोग करने की उस सीमा तक अभियुक्त उस सीमा तक स्वामी संपत्ति स्वामी को या किसी भी नागरिक को दिया गया अधिकार कि इतना बल प्रयोग कर सकता है अपनी शरीर के रक्षा के लिए या अपनी संपत्ति की रक्षा के लिए जिससे कि अगर हमलावर की मृत्यु तो भी कार्य करनी करनी पड़े तो वह कार्य जो है जस्टिस एवेल है न्यायसंगत है तो इन दो पहलुओं को ध्यान में रखते हुए स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूं कि आपराधिक विधि के अंतर्गत किए गए कार्य को क्षम्य में कब घोषित किया गया है और न्यायोचित कब ठहराया जाता है किए गए आपराधिक कृत्य को छ में धारा एट सेवेंटी सिक्स सेवेंटी नाइन टू थ्री स्लाइड के अंतर्गत स्लाइड में आप देखें मानसिक अस्वस्थता एक वैध बचाव आपराधिक विधि के अंतर्गत है दुर्घटना के फलस्वरूप घटित कार्य को आपराधिक दायित्व से मुक्त रखा गया है ये धारा एटी के अंतर्गत दिया गया है वे कृत्य जो न्याय संगठ ठहराए गए हैं उसमें जुडिशियल एक्ट है सेक्शन सेवेंटी एट के अंतर्गत आवश्यकता के अधीन किए गए कार्य को आपराधिक विधि के अंतर्गत क्षम्य घोषित किया गया है कि इन ऑर्डर टू अवॉइड ग्रेटर एविल लेसर एविल इज परमिटेड बड़ी अपहानी को रोकने के लिए छोटी अपहानी कारित की जा सकती है इसे आवश्यकता के सिद्धांत के अंतर्गत धारा एटी में प्रावधानित किया गया है सहमति सहमति से किया गया कार्य आपराधिक विधि के अंतर्गत कार्य को कब क्षम्य करता है कब क्षम्य नहीं करता है इसको भी धारा 92 के अंतर्गत 87 के अंतर्गत दिया गया है जो स्लाइड में आप देख सकते हैं अब इसको मैंने प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार एक है 96 से लेकर के 106 तक और उस प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अंतर्गत हम शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा और संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की बात करेंगे इसके पहले व्याख्यान में मैंने शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में विस्तार से चर्चा किया था और आज चूँकि विषय है संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का भारतीय दन संहिता के अंतर्गत किन किन सुसंगत धाराओं के अंतर्गत इसे प्रावधानित किया गया है इस पर मैं बताने का प्रयास करूंगा तो उसके पहले ये जितनी भी मैंने इसकी बैकग्राउंड पृष्ठभूमि बताई कि किन धाराओं के अंतर्गत इस चार्ट के माध्यम से बताने का प्रयास था कि जैसे कि आप इस पूरे संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विषय में पूरी जानकारी आपको हो सके अब इस स्लाइड के माध्यम से मैं इसको दो भागों में है बांटा है प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार यह आईपीसी की धारा 96 से लेकर के 106 तक में प्रावधानित है शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के लिए जो आधारभूत सिद्धांत है आई के अंतर्गत वह सेक्शन नाइन्टी में दिया हुआ है धारा नाइन्टी में प्रावधानित किया गया है कि कोई बात अपराध नहीं जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अनुसरण में किया जाए यदि उसको मैं अंग्रेजी में बोलूँ तो और थोड़ा स्पष्ट होगा नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन इन एक्सरसाइज ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कोई भी कृत्य अपराध नहीं जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में किया जाए अब यह केवल बेसिक रूल 96 में बताया गया है जो जनरल डिफेंसेस की जो सबसे शुरुआती धारा है 96, उसमें केवल सामान्य बात बताई गई कि प्राइवेट प्रतिरक्षा में किए गए कार्य को आपराधिक दायित्व से बाहर रखा गया है मुक्त रखा गया है लेकिन किन किन मामलों में यह प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा सब्जेक्ट मैटर ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दैट इज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 97 ऑफ द इंडियन पिनल कोड यह प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार शरीर के विरुद्ध होगा या संपत्ति के विरुद्ध होगा ये बात 97 में की गई है अर्थात प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विषय वस्तु ये धारा सत्तानवे में दिया गया है सेक्शन 97 के अंतर्गत ये प्रावधानित किया गया कि प्रत्येक व्यक्ति को धारा निन्यानवे में निर्बंधनों के अधीन रहते हुए अपनी शरीर या अन्य व्यक्ति के शरीर के विरुद्ध हुए अपराध के मामलों में प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा बचाव का अधिकार होगा दूसरा खंड कहता है 97 का कि प्रत्येक व्यक्ति को धारा निन्यानवे के निर्बंधनों के अधीन रहते हुए अपनी संपत्ति या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति के विरुद्ध घटित अपराध के प्रति प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा अर्थात धारा 97 इस बात को स्पष्ट कर देता है कि किसी भी व्यक्ति को अपनी संपत्ति चल याचल संपत्ति या अन्य व्यक्ति के चल याचल संपत्ति के बचाने के लिए किस सीमा तक वह बल प्रयोग कर सकता है और उसके द्वारा किए गए बल प्रयोग को कानून के अंतर्गत भारतीय संहिता के अंतर्गत जायज़ ठहराया जाएगा वैध ठहराया जाएगा ये धारा 96, 97, धारा 103, 104 और 105 के अंतर्गत बताया गया है मैं पुनः इसको रिपीट कर रहा हूँ जिससे कि आप सभी लोग इन धाराओं को संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का जो बेसिक रूल 96 में दिया गया सब्जेक्ट मैटर है 97 के अंतर्गत 99 के अंतर्गत रेस्ट्रिक्शंस दिए गए निर्बंधन दिए गए हैं जब व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होता मैं उसकी अभी चर्चा इसके पश्चात करूँगा और धारा एक 103 में बताया गया है कि संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होगा कब हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकती है अपनी संपत्ति बचाने में या किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति बचाने में धारा एक के अंतर्गत ये बताया गया कि मृत्यु से भिन्न अपहानी कारित किया जाना अर्थात संपत्ति के बचाव में मृत्यु से भिन्न कोई भी अपहानी वैध माना जाएगा धारा एक के अंतर्गत एक सौ के अंतर्गत है कि संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होगा और ये कब तक बना रहेगा अर्थात मैं अपनी संपत्ति को बचाने के लिए कब उस अधिकार का प्रयोग कर सकता हूँ और ये मेरा अधिकार कब तक बना रहेगा ये धारा 105 के अंतर्गत बताया गया है तो अब मैं एक एक करके इस प्रावधान का व्याख्या करूंगा जिससे पूरी जानकारी आप छात्रों को हो सके 97 के अंतर्गत जैसा कि मैंने बताया राइट टू डिफेंड ओन प्रॉपर्टी और राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी ऑफ एनदर पर्सन किसी दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को बचाने का अधिकार भी धारा 97 के अंतर्गत दिया गया है अब ये धारा निन्यानवे में निर्बंधन क्या हैं किन निर्बंधनों के अधीन रहते हुए प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार होगा तो सेक्शन 97 सेवन रेस्ट्रिक्शन की बात करती है कि ये निर्बंधन हैं जब व्यक्ति को प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध नहीं होगा पहला है कि जब लोक सेवक की सहायता उपलब्ध हो तो वहाँ पर कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में नहीं ले सकता है अर्थात लोक प्राधिकारी की सहायता उपलब्ध होना प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से व्यक्ति को वंचित कर देता है इसका केवल आशय इतना है कानून बनाने के पीछे मनसा यही थी कि जब लोग प्राधिकारी स्वयं घटनास्थल पर उपस्थित हैं तो पहले उनकी सहायता ली जानी चाहिए जैसे यदि मेरे घर में कोई व्यक्ति प्रवेश करता है और घर के बगल में पुलिस चौकी है या पुलिस खड़ा है वहाँ पे और कोई मेरे ऊपर हमला कर रहा है तो पहला प्रथम दृष्टया मैं उस पुलिस को बताऊँ मैं उस प्राधिकारी को बताऊँ कि ये मेरे घर में प्रवेश किया जा रहा है न कि मैं कानून अपने हाथ में लूँ कि उसको बाहर कर दूँ दूसरी बात वहीं पर यह भी है कि प्राधिकारी का घटनास्थल पर उपस्थित होना और उसका सक्रिय सहयोग न करना ये मुझे अधिकार प्रदान कर देता है कि मैं अपनी शरीर की या संपत्ति की उस लोक प्राधिकारी के उपस्थित होने के बावजूद भी रक्षा कर सकता हूँ कानून इसकी इजाज़त देता है अर्थात लोक प्राधिकारी का घटनास्थल पर उपस्थित होना और सक्रिय सहयोग करना या न करना ये दोनों अलग अलग बातें हैं इन इस बात को ध्यान रखना है तो धारा 99 के अंतर्गत पहला निर्बंधन हो गया कि जहाँ लोक प्राधिकारी की सहायता उपलब्ध हो सकती है वहाँ पे प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा वह चाहे शरीर के विरुद्ध हो या संपत्ति के विरुद्ध हो दूसरी दूसरी शर्त उस धारा 99 के अंतर्गत किया गया है कि जो शरीर या संपत्ति को हमलावर से बचाने के लिए उतना बल प्रयोग किया जाएगा जितना बल प्रयोग उस हमलावर को संपत्ति से बेदखल करने के लिए आवश्यक हो उस हमलावर के विरुद्ध किया गया बल प्रयोग यदि अधिक्य है एक्सेस है तो निश्चित रूप से धारा 103 का लाभ उसे प्राप्त नहीं हो सकता है इसे हम साधारण भाषा में रूल ऑफ प्रपोर्सनैलिटी बोलते हैं और हिंदी में हम इसे समानुपाती नियम बोलते हैं कि जो डिफेंडर है प्रतिरक्षा करने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा बल प्रयोग हमलावर के द्वारा अग्रेसर के द्वारा किए गए बल प्रयोग के समानुपाती होना चाहिए हमें उतना ही बल प्रयोग करने का अधिकार है कानून देती है जितना बल प्रयोग करने से हमलावर मेरे शरीर से हमला टल जाए या संपत्ति से हमलावर बेदखल कर दिया जाए और प्रयोग किए गए बल का आधिक्य होना मुझे उस प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से वंचित कर देगा और यदि उसकी मृत्यु हो जाए हमलावर की मृत्यु हो जाएगी तो निश्चित रूप से वह कल्पेबिल हमेसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर हत्या की कोर्ट में न आने वाले आपराधिक मानववध के लिए मुझसे अभियोजित किया जा सकता है या किसी को अभियोजित किया जा सकता है तो इससे संबंधित सभी कानूनों को ध्यान में रखते हुए कि जब हम प्राइवेट डिफेंस के अधिकार को एक्सीड कर देते हैं जो आई ने हमको राइट दिया है अगर हम उसके एक्सेस में जा के अपनी बॉडी या प्रॉपर्टी को डिफेंड करने के लिए फोर्स यूज करते हैं बल यूज करते हैं और हमलावर की मृत्यु हो जाती है तो मेरे द्वारा किया गया कार्य कल पे बिल माना जाएगा आपराधिक मानवध माना जाएगा अब आते हैं धारा 99 के अंतर्गत ये मैंने दूसरी शर्त बताई पहली शर्त बताई कि लोक प्राधिकारी यदि उपस्थित है तो वहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा उपलब्ध नहीं है दूसरा निर्बंधन है धारा 99 नाइन के अंतर्गत कि बल प्रयोग जो है वह समानुपाती होना चाहिए प्रोपोर्शनलिटी रूल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी का और तीसरा जो निर्बंधन है कि लोक प्राधिकारी यदि विधिपूर्ण कार्य कर रहा है लीगल कार्य कर रहा है और विथ अथॉरिटी काम कर रहा प्राधिकार के साथ कार्य कर रहा है तो ऐसी स्थिति में उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं होगा जब तक कि उसके द्वारा किए गए कार्य से मृत्यु या घोर उपहत की संभावना न हो अर्थात यदि लोकसेवक के द्वारा विधिपूर्ण कार्य करने के दौरान भी यदि उसके कार्य से मृत होने की संभावना हो या घोर क्षति होने की युक्तियुक्त आशंका हो तो लोक प्राधिकारी के विरुद्ध भी प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होगा जैसे कि सामान्य नागरिक के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध होता है कहने का तात्पर्य है कि 99 के अंतर्गत लोक सेवक के द्वारा किया गया विधिपूर्ण कार्य उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में यदि कोई लाफुल एक्ट किया जाता है तो मृत्यु और घोर उपहति को छोड़ करके उसके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है अर्थात लोक प्राधिकारी के द्वारा घोर क्षति से भिन्न कोई भी क्षति किया जाना लाफुल एक्ट करने के दौरान यह धारा 99 में छ में घोषित किया गया है तो मैं बता रहा था कि संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा निन्यानवे के किन किन निर्बंधनों के अधीन है तो धारा निन्यानवे में तीन निर्बंधन हैं तीन रेस्ट्रिक्स हैं जिस रेस्ट्रिक्शन के अधीन रहते हुए व्यक्ति को संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार दिया गया है पहला हो गया पब्लिक प्राधिकारी का उपस्थित होना वहाँ पर प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार नहीं होगा दूसरा है समानुपाति का नियम डिफेंडर के द्वारा बल प्रयोग किया जाना हमलावर के द्वारा किए गए बल प्रयोग के समानुपाती होना चाहिए इसका कदापि अर्थ नहीं है कि हम वेट करें कि हमारे ऊपर यदि हमला हो तभी हम हमलावर की कार्य करें रीजनेबल एप्रिहेंसन इन द माइंड ऑफ डिफेंडर कि डिफेंडर के मस्तिष्क में युक्तयुक्त आशंका होना कि हमलावर घोर क्षति कारित कर देगा इतना मात्र होना ही व्यक्ति को अपनी शरीर या संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उपलब्ध करा देता है तीसरा जो रेस्ट्रिक्शन धारा 99 के अंतर्गत दिया गया है वह है कि लोक प्राधिकारी के द्वारा विधिपूर्ण कार्य करने के दौरान मृत्यु यदि मृत्यु या घोर क्षति से भिन्न कोई अपहानि होती है तो वो क्षम में मानी जाएगी कहने का तात्पर्य है कि लोक प्राधिकारी मात्र हो जाने से उसके विरुद्ध हमारा प्राइवेट प्रतिरक्षा अधिकार समाप्त नहीं हो जाता यदि लोक प्राधिकारी का कृत्य मेरी मृत्यु कायित करना है और मैं निर्दोष हूं या लोक प्राधिकारी के द्वारा किए गए कार्य से घोर क्षति होने की आशंका है तो कानून के अंतर्गत लोक प्राधिकारी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का दावा उसी प्रकार किया जा सकता है जैसे कि एक व्यक्ति के द्वारा सामान्य नागरिक के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा या संपत्ति के प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रयोग किया जा सकता है अब आते हैं धारा 103 के अंतर्गत धारा 103 यह प्रावधानित करती है कि किन परिस्थितियों में संपत्ति के विरुद्ध अपराध किन किन अपराधों के विरुद्ध संपत्ति के बचाव के अधिकार में हमलावर की मृत्यु कारित की जा सकेगी वे स्लाइड के माध्यम से मैं स्क्रीन पर आप उसको देखें ये स्लाइड के स्क्रीन पर आप देखें मैंने चार ऐसे उदाहरण बताए हैं जो धारा 103 के अंतर्गत दिया है कि संपत्ति की प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होगा पहला है लूट की स्थिति में दूसरा है रात्रि गृह विभेदन की स्थिति में हाउस ब्रेकिंग की स्थिति में तीसरा है अग्नि द्वारा रिस्ट्री के मामलों में चौथा है चोरी मिशी फ जिसको हम निश्चित बोलते हैं हाउस ट्रेसपास गृह अतिचार जो ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिसका परिणाम घोर मृत्यु या घोर उपहति हो अर्थात ये चार ऐसी परिस्थितियों का आवर्णन किया गया है धारा एक के अंतर्गत जिन परिस्थितियों में व्यक्ति को अपनी संपत्ति या दूसरे व्यक्ति की संपत्ति को बचाने का अधिकार दिया गया है और उस संपत्ति के बचाने के अधिकार में हमलावर की मृत्यु कारित करने का भी अधिकार धारा 103 के अंतर्गत दिया गया है तो पहले एक एक करके हम इसकी व्याख्या करते हैं पहला दिया गया है कि कब लूट के अपराध में लुटेरे को मृत्युकारित करने का पावर धारा 103 में दिया गया है अर्थात धारा 103 सौ यह प्रावधानित करती है कि संपत्ति के विरुद्ध लूट की अपराध की दशा में लुटेरे मृत्यु मृत्युकारित की जा सकेगी अर्थात लुटेर लूट की स्थिति में रॉबरी की स्थिति में संपत्ति को लुटेरे से बचाने के लिए हम उस सीमा तक लुटेरे के विरुद्ध बल प्रयोग कर सकते हैं जिससे कि लुटेरे के मृत्यु कारित की जा सके और वह कार्य अपराध नहीं माना जाएगा और वह क्षम्य होगा ऐसे कार्यों को एक जस्टिस भी लाइक माना गया है न्याय संगत कृत्य माना गया है दृष्टांत के माध्यम से इसे और बेहतर समझा जा सकता है जैसे मैं यदि राष्ट्रीय राजमार्ग पर जा रहा हूँ और राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोई एक व्यक्ति गन पिस्टल दिखा करके मुझसे मेरे जेब से रखे हुए पैसे को लेने का प्रयास करता है तो भारतीय दंड संहिता की धारा 390 के अंतर्गत जहां पर एक व्यक्ति दूसरे को मृत्यु या घोर क्षति का तत्काल भय डालकर उससे उसकी चल संपत्ति लेने का प्रयास करता है यह लूट करता है ऐसा कहा जाता है तो ऐसी स्थिति में उस लुटेरे को निष्फल करने के लिए उसके अटैम्प्ट को निष्फल करने के लिए और मुझे अपनी उस प्रॉपर्टी को बचाने के लिए मैं लुटेरे के यदि मृत्यु भी कारित कर दूँ तो कानून ये कहता है कि किया गया कार्य धारा 103 के अंतर्गत क्षम्य होगा मानो कि मैंने कोई मृत्यु कारित नहीं की है इस चीज को ध्यान में रखते हुए सभी छात्र धारा 103 के जो चार परिस्थितियां बताई गई हैं चार चार परिस्थितियों में संपत्ति के बचाव के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब किया जा सकता है अब सेक्शन थ्री में जो लूट दिया गया है कि लूट के रॉबरी के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस में बल प्रयोग लुटेरे की मृत कार्य करने तक की जा सकेगी तो आवश्यक है कि हम पहले लूट को समझें रॉबरी को समझें कि रॉबरी के क्या क्या एलिमेंट हैं जब तक हम रॉबरी के एलिमेंट को नहीं समझेंगे जब तक सेक्शन थ्री को नहीं समझेंगे तब तक हम रॉबरी के अगेंस्ट प्राइवेट डिफेंस को एक्सरसाइज नहीं कर सकते हैं अतः लूट के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से ज़्यादा ये ज़रूरी है कि हमें समझें कि जो कार्य किया जा रहा है वह अवस्था में लूट है या कोई अन्य अपराध है अन्य किसी अपराध की दशा में हम अपराधी को मार नहीं सकते कानून उसे मारने की इजाजत नहीं देता है लूट चूँकि चोरी का विभत्स रूप माना जाता है चोरी का बढ़ा हुआ रूप माना जाता है यदि हम गणित के रूप में मैथमेटिक्स के रूप में उसको प्रस्तुत करें तो ऐसा कहा जाता है कि चोरी प्लस मृत्यु या घोर उपहति का तत्काल भय इज इक्वल टू रॉबरी लूट हम इसको मैथमेटिकली इस रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं और छात्रों के समझने के लिए बहुत बेहतर होगा कि कैसे लूट को समझें समझने के लिए कि चोरी प्लस मृत्यु या घोर उपहति का तत्काल भय इमीडिएट डेंजर ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट इज इक्वल टू रॉबरी तो इतना ही समझने के लिए पर्याप्त है यदि किसी चल संपत्ति को व्यक्ति बेईमानीपूर्ण आशय से उसकी सहमति के बिना कब्जे से तत्काल मृत्यु या भय में डालकर उससे लेता है लेने का प्रयास करता है तो यह एक अपराध है सेक्शन 390 के अंतर्गत और जिसे रॉबरी की संज्ञा लूट की संज्ञा दी जाती है तो लुटेरे से संपत्ति को बचाने के लिए धारा एक 103 उतना बल प्रयोग करने का अधिकार देता है कि यदि रॉबर की यदि लुटेरे की कारित करनी पड़ जाए तो भी वह कृत्य क्षम्य माना जाएगा और यह न केवल धारा एक व्यक्ति को अपनी संपत्ति बचाने का अधिकार देती है बल्कि धारा एक किसी भी व्यक्ति को समाज के किसी अजनबी व्यक्ति के विरुद्ध हुए लूट के अपराध से अपराध बचाने के लिए लुटेरे को मृत्यु कारित करने का अधिकार देती है जैसे कि मैं मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि समाज का कोई अजनबी व्यक्ति है जिससे मेरा कोई दूर दूर से कोई संबंध नहीं है और मेरे समक्ष उसकी संपत्ति को लूट लूटने का प्रयत्न किया जा रहा है तो कानून मुझे अधिकार देता है कि मैं उस लुटेरे को उतना बल प्रयोग करके उस अजनबी व्यक्ति को भी लूट के अपराध से बचाऊं अगर उसमें मुझे उसकी मृत्यु भी कारित करनी पड़ जाए तो धारा एक के अंतर्गत मेरे द्वारा किया गया कार्य न्यायसंगत होगा जस्टिफाइड एक्ट होगा तो ये प्रावधान कि व्यक्ति को अपनी संपत्ति बचाने का दूसरे व्यक्ति की संपत्ति बचाने का जो कॉन्सेप्ट ये लाया गया उसके पीछे लॉजिक तर्क यही है कि यदि ये प्रावधान नहीं किया गया होता कि दूसरे व्यक्ति की संपत्ति की रक्षा करने के दौरान भी बल इतना प्रयोग किया जा सकता है जिससे हमलावर की मृत्यु कार्य की जा सके तो कोई भी व्यक्ति समाज का आगे आकर के लोक सुरक्षा की भावना से कार्य नहीं करता और यह रास्ते में जाते हुए देख रहा है कि लूट हो रही है लेकिन मैं अगर उसमें कोई सहायता करूंगा तो मेरे विरुद्ध कारूरी कार्रवाई की जा सकेगी मैं लूट देखते हुए भी आगे चला जाऊंगा बढ़ जाऊंगा और उस पीड़ित व्यक्ति की मदद नहीं करूंगा अतः इस बात को एवॉयड करने के लिए लोक सुरक्षा की भावना से समाज का कोई भी व्यक्ति आगे आकर के अजनबी व्यक्ति की भी सहायता करे इस अवधारणा के तहत धारा 103 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया कि व्यक्ति को न केवल अपनी संपत्ति बचाने का अधिकार है बल्कि हमलावर से किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति को बचाने का अधिकार है पाला हो गया लूट रॉबरी की स्थिति में बल का प्रयोग उस सीमा तक किया जा सकता है जिससे कि लुटेरे की, लुटे की मृत्यु तो भी कारित कर दी जाए तो न्यायसंगत होगा मैंने दृष्टांत के माध्यम से बताने का प्रयास किया अब आते हैं जो दूसरा अपराध इसमें दिया गया है सेक्शन थ्री वन जीरो थ्री में कि राइट टू प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी को एक्सरसाइज करते हुए हम कब अपराधी की मृत्यु कारित कर सकते हैं वह है हाउस ब्रेकिंग में और हाउस ब्रेकिंग दो प्रकार की है एक तो गृह भेदन जो दिन में भी हो सकता है लेकिन धारा एक में विशिष्ट शब्दावली का प्रयोग किया गया है रात्रि गृह भेदन अर्थात हाउस ब्रेकिंग इन नाइट नाइट हाउस ब्रेकिंग को धारा एक में कवर किया गया है हाउस ब्रेकिंग यदि डे में हो रहा है दिन में हो रहा है तो उसमें हमलावर की मृत्यु तो नहीं कार्य की जा सकती है हाउस ब्रेकर को जो गृह भेदक है उसकी मृत्यु तो कार्य नहीं की जा सकती है धारा एक के अंतर्गत वो छः में नहीं होगा अर्थात यदि सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व किसी भी व्यक्ति के द्वारा गृह में भेदन करके चोरी करने का प्रयास किया जा रहा है तो धारा 103 सौ तीन गृह भेदक की मृत्यु कारित करने तक का अधिकार देती है और मुझे लगता है कि विश्व के सभी लोकतांत्रिक देशों में शायद यह जो प्रावधान दिए गए हैं भारतीय जनसंख्या के अंतर्गत सभी देशों में इस प्रकार के प्रावधान हैं अंतर हमारी धाराओं में समान हो सकता है अब यदि हम देखें कि विश्व के लोकतांत्रिक देशों में जिसमें भारत भी है ये अधिकार दिया गया है कि कब गृह भेदक को सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व गृह भेदक की मृत्युकारित की जा सकती है आईपीसी की धारा के 446 के अंतर्गत 446 के अंतर्गत गृह भेदक की मृत्युकारित करना भी नया संगत ठहराया गया है तो मुझे लगता है कि इसमें भी डाउट नहीं होना चाहिए बस एक कंडीशन यह है कि जो गृह भेदन होना चाहिए वह सूर्यास्त के पश्चात और सूर्योदय के पूर्व होना चाहिए तीसरा इसमें जो दिया गया है अग्नि द्वारा रिष्टि मिशीफ बाई फायर अर्थात किसी भी घर में या मानव निवास के स्थान में लाए जाने वाले किसी भी प्लेस पर वो चाहे टेंट हो या जलयान हो पहले लोग ज़्यादातर जलयान में सिप में पानी की जहाज़ों में यात्रा करते थे वहाँ पर भी टेंट में तंबू में भी लोग रहते थे आज भी अभी टेंट में तो टेंट में या सिप में या मानव निवास के रूप में उपयोग किए जाने वाले किसी भी स्थल में आगजनी किया जाना साधारण भाषा में बोलें आग लगाया जाना आगजनी करना यह संपत्ति स्वामी को अधिकार देती है धारा एक अग्नि लगाने वाले व्यक्ति को आगजनी करने वाले व्यक्ति को मृत्युकारित किया जाए और वह मृत्युकारित करना धारा एक के अंतर्गत क्षम्य में माना गया है न्यायसंगत माना गया है अब यह अपराध की जघन्यता है कि यदि किसी व्यक्ति का कार्य किसी भी व्यक्ति के घर में आग लगाने का हो आगजनी करने का हो तो जनी करने वाले आगजनी करने वाले व्यक्ति की मृत्युकारित करना न्याय संगत ठहराया जाएगा प्रॉपर्टी को बचाने में हम उस सीमा तक बल प्रयोग कर सकते हैं वो बल जायज माना जाएगा चौथा जो तत्व है वह है चोरी गृह अतिचार पुनः हमें रिपीट कर रहा हूं चोरी रिष्टि और इस इन अपराधों में भी धारा एक मृत्युकारित करने का अधिकार देती है लेकिन सामान्य चोरी में या सामान्य रिस्टि में या सामान्य गृहतचार में गृहतिचारी को मारने का अधिकार मृत्युकारित करने का अधिकार धारा एक नहीं देती उसमें एक जो विशेषण जोड़ा गया है जो फोर्थ चौथा पॉइंट है, है थेप्टिचिफ या हाउस रेस्पॉस दैट इज विथ कंडीशन वो कंडीशन क्या है कि यदि चोरी ऐसी परिस्थितियों में की गई है या गृह अतिचार ऐसी परिस्थितियों में किया गया है जिसमें मृत्यु या घोर क्षति होने की आशंका है तो वहाँ पर चोर की मृत्यु कारित किया जाना धारा 103 के अंतर्गत क्षम्य होगा वहाँ पर गृह अतिचारी की मृत्यु कारित करना धारा 103 सौ के अंतर्गत न्याय होगा यदि गृह अतिचारी के द्वारा अतिचार के दौरान वह ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न कर दे कि गृह स्वामी को ऐसा प्रतीत हो कि वह उसकी मृत्यु कारित कर देगा या उसे घोर क्षति कारित कर देगा तो गृह अतिचारी की कारित किया जा सकता है सामान्य गृह अतिचार में कारित करना धारा 103 का उल्लंघन माना जाएगा और उस व्यक्ति को जिसने गृहतिचारी की मृत्यु कारित की है उसे आई की धारा तीन के अंतर्गत गैर इरातन हत्या के लिए कल्पेबिल होमेसाइट नाट अमाउंटिंग टू मर्डर के लिए उत्तरदायी ठहराया जाएगा ये बहुत स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि यदि मामला धारा 103 के दायरे से बाहर गया और चूंकि धारा 103 के अंतर्गत जो बल प्रयोग किया गया है उसकी सीमा मृत्युकारित करना है और अगर डेथ कॉच कर दी जाए मृत्युकारित कर दी जाए संपत्ति को बचाने में और हम उसको धारा एक 103 में न्यायालय के समझ ट्रायल कोर्ट के समक्ष साबित नहीं कर पाए तो निश्चित रूप से मेरे द्वारा किया गया कार्य कल पेबिल नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर माना जाएगा और मुझे आपराधिक मानवध के लिए उत्तरदायी ठहरा दिया जाएगा तो यह आवश्यक है कि मैं अगर धारा 103 का लाभ लेना चाहता हूं तो विचार न्यायालय के समक्ष ट्रायल कोर्ट के समक्ष अर्थात सत्र न्यायालय के समक्ष मुझे यह साबित करना होगा कि मेरे द्वारा कार्य किया गया कार्य धारा एक के चार जो परिस्थितियाँ बताई गई हैं उन चार परिस्थितियों में से किसी एक परिस्थिति में आता है अर्थात या तो वह रजिस्ट्री होना चाहिए या तो वह लूट होना चाहिए या तो गृह हथिचार या अग्नि द्वारा रिष्टि ऐसी परिस्थितियों में किया जाए जिन परिस्थितियों में कि चोरी अतिचार गृह अतिचार या रिष्टि ऐसी परिस्थितियों में किया जाए कि मैं मुझे महसूस हो कि अगर मैं अपने चोर को या गृह अतिचारी के विरुद्ध बल प्रयोग नहीं करूंगा तो वह मुझे मार देगा या मुझे घोर क्षति कारित कर देगा ऐसी स्थितियों में मृत्यु कार्य किया जाना गृहतिचारी की या चोर की धारा एक में जायज़ है तो एक बात ये ध्यान रखनी है कि सामान्य चोरी के अपराध में चोर को मारना धारा 103 संरक्षण प्रदान नहीं करती धारा 103 का संरक्षण प्रोटेक्शन ढाल के रूप में हम तभी प्रयोग कर सकते हैं जब चोर के द्वारा या गृह अतिचारी के द्वारा ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया गया हो जिसमें हमें मृत्यु की आशंका या घोर क्षति की आशंका प्रतीत होती है तो मैं समझता हूँ कि जो चार ऐसी परिस्थितियाँ दी गई धारा एक के अंतर्गत कि संपत्ति के बचाने में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होगा पहला है लूट दूसरा है भेदन तीसरा है अग्नि द्वारा रिस्टि चौथा है चोरी रिस्टि या गृहतिचार ऐसी परिस्थितियों में किया जाए जहां पर मृत्यु या घोर क्षति की संभावना हो आशंका हो तो मुझे लगता है कि 103 में लिखी गई बातों को आप सभी समझ गए होंगे साबित करने का भार किस पर होगा मैंने जैसा कि बताया सामान्य अपवाद का लाभ जो व्यक्ति व्यक्ति लेना चाहता है न्यायालय के समझ साबित करने का भार उसी व्यक्ति पर होता है अब आते हैं धारा एक के पश्चात धारा एक के अंतर्गत धारा एक में यह प्रावधानित किया गया है कि संपत्ति के बचाव के अंतर्गत कब मृत्यु से भिन्न कोई भी अपहानी कारित की जा सकती है तो साधारणतः मैंने जैसा कि बताया शरीर के विरुद्ध किन परिस्थितियों में बल प्रयोग मृत्यु कारित करने तक किया जा सकता है ये धारा सौ और धारा एक सौ एक के अंतर्गत दिया गया कि संपत्ति के विरुद्ध शरीर के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा अच्छा के अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहानि किया जाना जायज अर्थात घोर क्षति कारित किया जाए तो क्षम में है ठीक उसी प्रकार से संपत्ति के बचाने में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न घोर क्षति कारित करना मृत्यु से भिन्न केवल एक ही क्षति बचती है कि या तो हमलावर की कारित कर दिया जाए या उसकी घोर क्षति कारित कर दी जाए तो यदि हमलावर के द्वारा उत्पन्न की गई परिस्थितियाँ धारा 103 के चारों खंडों में से किसी एक खंड में आती है तो हमलावर के मृत कायद किया जाना जायज ठहराया गया एक सौ तीन के अंतर्गत यदि हमलावर के द्वारा जिन परिस्थितियों का निर्माण किया गया है वह धारा एक सौ तीन में कवर नहीं होता धारा एक सौ तीन में नहीं आता है तो केवल और केवल डिफेंडर का एक ही राइट बचता है कि वह हमलावर को घोर क्षति ही कारित कर सकता है मृत्यु कायित नहीं कर सकता अर्थात धारा एक सौ चार इस बात को स्पष्ट करती है कि मृत्यु से भिन्न हमलावर को क्षति कारित किया जा सकता है जब वह लूट गृह अतिचार आपराधिक अतिचार इन परिस्थितियों में संपत्ति के बचाव में संपत्ति के बचाने में प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के अनुसरण में मृत्यु से भिन्न कोई भी क्षति न्यायसंगत है ये धारा 104 में प्रावधानित किया गया है इन दो बातों को ध्यान में रखते हुए अब सबसे महत्वपूर्ण इसमें है कि इसको रेगुलेट करने का कंट्रोलिंग जो प्रोविजन है वह है धारा 105 के अंतर्गत तो धारा एक में लिखी गई बात को सेक्शन 105 कंट्रोल करता है रेगुलेट करता है जिसको हम कानूनी भाषा में बोलते हैं कि विनियमित करता है रेगुलेट रेगुलेट करता है अर्थात धारा एक ये बताता है कि संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होगा और कब तक बना रहेगा ये ठीक उसी प्रकार से जैसे शरीर के विरुद्ध बचाव का अधिकार कब प्रारंभ होगा और कब तक बना रहेगा ये धारा 102 के अंतर्गत दिया गया ठीक उसी प्रकार से यह आवश्यक है कि संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होगा और कब तक बना रहेगा इसको भी प्रावधानित धारा 105 के अंतर्गत किया गया है तो मैं एक एक करके एक एक अपराध के विषय में कब प्राइवेट डिफेंस का अधिकार प्रारंभ होगा और कब तक बना रहेगा उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा जिससे कि पूरी जानकारी इस धारा एक से संबंधित आपको हो सके पहला कि संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जिस क्षण संपत्ति के विरुद्ध लूट अग्नि द्वारा रेस्ट्री चोरी अतिचार प्रारंभ कर दिया जाए ये अपराध घटित हो जाए और ये तब तक बना रहेगा जब तक कि संपत्ति के विरुद्ध लूट का अपराध आपराधिक अतिचार का गृह अतिचार का अपराध या चोरी का अपराध समाप्त न हो जाए अर्थात फ्रॉम बिगनिंग टू एंड सामान्य भाषा में इसको समझने के लिए हम बोलें तो संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जैसे ही अपराध घटित होता है प्रारंभ किया जाता है और यह तब तक बना रहता है अपनी संपत्ति को बचाने का अधिकार या दूसरे की संपत्ति को बचाने का अधिकार ये तब तक बना रहता है जब तक कि उस संपत्ति को हम अपनी संपत्ति को वापस न प्राप्त कर लें या संपत्ति मालिक को हम उस संपत्ति को वापस न करा दें तो यह अधिकार हमारा तब तक बना रहता है यही बात धारा एक में लिखी गई है अब हम उसको एक एक करके अध्ययन करते हैं तो पहला लेते हैं चोरी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बने रहना अर्थात चोरी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार का प्रारंभ होगा जैसे ही चोरी का अपराध प्रारंभ होता है चोर ने चोरी करना प्रारंभ किया घर में उसी दौरान मेरा अधिकार है कि मैं उस चोर को अपनी संपत्ति से बेदखल कर दूं या उसे बल प्रयोग करके हटा दूं लेकिन उतना बल प्रयोग करूं चूंकि धारा 103 के अंतर्गत चोर को जान से मारने का अधिकार नहीं दिया गया है केवल चोर उस चोरी के अपराध को निवारित करने के लिए मैं मृत्यु से भिन्न कोई भी क्षति कारित कर सकता हूँ उधार 104 एक के अंतर्गत जायज हो जाएगा कब तक बना रहेगा यह जब तक चोरी का अपराध हो रहा है तब तक मेरे पास राइट है कि मैं उसे उसको एवॉड कर दूं और ये कब तक बना रहेगा चोर मेरी चुराई हुई संपत्ति यदि लेकर भाग भी जाए तो यह तब तक बना रहेगा अधिकार चोरी के विरुद्ध जब तक कि स्वामी अपनी संपत्ति को वापस न प्राप्त कर ले अर्थात धारा 105 के अंतर्गत यह प्रावधानित किया गया है कि चोरी के विरुद्ध संपत्ति का बचाव का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि स्वामी अपनी चुराई हुई संपत्ति को वापस प्राप्त न कर ले दृष्टांत के माध्यम से इसे और भी स्पष्ट किया जा सकता है मैं जैसे दृष्टांत के माध्यम से आपको बताना चाहूँगा कि क के घर में ख चोरी करने के आशा से प्रवेश करता है और उसकी बाइक लेकर भाग जाता है दो दिन बाद तीन दिन बाद क को अपनी ही बाइक ख चलाते हुए देखा जाता है दो दिन बाद भी एक सप्ताह बाद भी क को, को यह अधिकार है कि अपनी वह बाइक ख से प्राप्त कर सके एक सप्ताह बाद एक महीने बाद भी इसका ये कदापि अर्थ नहीं है कि चुराई हुई संपत्ति के विरुद्ध बचाव का अधिकार प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार समय के साथ समाप्त हो जाता है यह अधिकार तब तक, तक बना रहता है जब तक कि वह चोरी की गई प्रॉपर्टी रिकवर न कर ली जाए प्रत्युधरित न कर ली जाए वापस न ले ली जाए तो इसको ध्यान देने की बात है कि हमारी चुराई हुई संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक मैं उस संपत्ति को वापस न प्राप्त कर लूँ यदि भले ही मैं उसको एक हफ्ते बाद एक महीने बाद उसको देखूँ अगर मैं उस संपत्ति को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ चिन्हित कर सकता हूँ तो मैं अपनी संपत्ति को एक महीने बाद भी वापस लेने का अधिकारी हूँ ये धारा एक में कहा गया है अब गृह अतिचार के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होगा कब तक बना रहेगा जिस क्षण गृह अतिचारी के द्वारा गृह स्वामी के गृह में घर में प्रवेश किया जाता है उसी क्षण गृह अतिचार के अपराध के विरुद्ध यह अधिकार प्रारंभ हो जाता है और ये तब तक बना रहता है जब तक गृह अतिचारी गृह में अतिचार करता रहता है जब तक कि स्वामी उस गृह अतिचारी को अपने भवन से बाहर न कर दे और बाहर करने के लिए उतना बल प्रयोग कर सकता है घोर क्षति करित कर सकता है वो धारा एक के अंतर्गत छ में होगा तो मैं समझता हूँ कि इतनी बातों से सभी लोगों को प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार का प्रारंभ होना और प्राइवेट संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का बने रहना चोरी के विरुद्ध गृह अतिचार के विरुद्ध लूट के अपराध के विरुद्ध अग्नि द्वारा रिस्ट्री के अपराध के विरुद्ध यह अधिकार कब प्रारंभ होता है कब तक बना रहता है इसकी व्याख्या मैंने विस्तार से की है दृष्टांत के माध्यम से की है ध्यान देने योग्य बात है कि परीक्षाओं में सामान्यतः चोरी के दृष्टांत पूछे जाते हैं और उस पर यह पूछा जाता है लिखित परीक्षा में कि इसके मुख्य परीक्षा में कि इस स्थिति में क के आपराधिक दायित्व की विवेचना करें तो वह इसका मतलब है कि आपको धारा 105 की बातों को पूछ रहा है धारा 105 में लिखी गई बातों को पूरा एक्सप्लेन करेंगे कि चोरी के अपराध के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार तब तक बना रहता है जब तक कि चुराई हुई संपत्ति को प्रतिध्वरित न कर ली जाए वापस न कर लिया जाए इसके लिए एक महीने दो महीने बाद भी अगर संपत्ति चिन्हित की जा सकती हो आइडेंटिफाई की जा सकती हो तो उस अवधि के पश्चात भी एक माह दो माह के पश्चात भी यह अपनी संपत्ति को वापस लेने का अधिकारी व्यक्ति है कोई भी व्यक्ति है तो मैं समझता हूँ कि धारा 103, 104 और 105 के पश्चात आप सभी लोग इस बात से बिल्कुल अवगत होंगे कि किन परिस्थितियों में यह संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट के प्रत्यक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कायद करने तक होगा और कब मृत्यु से भिन्न कोई अपहान कायद करना होगा संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रत्यक्षा के अधिकार कब प्रारंभ होगा कब तक बना रहेगा अब इसके पश्चात आते हैं महत्वपूर्ण वाद जो हैं सुप्रीम कोर्ट के जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं उनके माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे कि संपत्ति के बचाव के अधिकार का विस्तार उच्चतम न्यायालय के द्वारा मृत्यु कारित करने तक को जस्टिफाई माना गया और मृत्यु से भिन्न कोई क्षति जो धारा एक के अंतर्गत कवर किया गया है तो सबसे पहला इस पर केस मैं स्लाइड के ही माध्यम से इसको दिखाने का प्रयास करूंगा कि देखें ये मैं बता रहा था कि संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ होना और बने रहना उसी से संबंधित उच्चतम न्यायालय के तीन महत्वपूर्ण केस हैं पहला केस मैं बताने का प्रयास करूंगा वह है नाथन बनाम मद्रास राज्य नाथन वर्सेज स्टेट ऑफ मद्रास ए आई आर सुप्रीम कोर्ट इस वाद के तथ्य क्या थे फैक्ट क्या थे कि अभियुक्त संपत्ति पर कब्जा बनाए रखा है कब्जाधारी है परंतु पीड़ित पक्षकार के द्वारा अभियुक्त के संपत्ति को अभियुक्त के भूमि से फसलों को जबरदस्ती बलपूर्वक काटने का प्रयास किया जा रहा है तत्पश्चात अभियुक्त पीड़ित पक्षकार के ऊपर हमला कर देता है जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है अब यहाँ पर न्यायालय को डिसाइड करना है कि क्या नाथन को अपनी फसल को जो अपनी उसकी फसलें थी क्रॉप्स को हार्वेस्टिंग करने का जो जबरदस्ती फसलों को काट करके उसके भूम से ले जाने का प्रयास किया जा रहा था क्या उसको अपनी फसल को बचाने के अधिकार में इतना बल प्रयोग करना यह धारा 103 के अंतर्गत छ में किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है तो प्रस्तुत मामले में नाथन बनाम मद्रास राज्य आई आर के मामले में चूंकि अभियुक्त को न तो पीड़ित पक्षकार से घोर क्षति की आशंका थी न तो मृत्यु की आशंका थी अतः इस आधार पे यह नहीं कहा जा सकता है कि अभियुक्त के द्वारा जो बल प्रयोग किया गया जिससे पीड़ित परिवार जिससे मृतक की मृत्यु कारित की गई और न तो मृतक न तो विरोधी पक्षकार के द्वारा खतरनाक आयुध थे उनके पास न तो हथियार थे जिससे यह आशंका लगाई जा सके युक्तयुक्त तो आशंका लगाई युक्तयुक्त अनुमान लगाया जा सके कि मृतक परिवार की तरफ से परिवादियों कंप्लेनेंट पार्टी की तरफ से ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया गया जिसमें अभियुक्त को यह युक्तयुक्त आशंका हुई हो, हो कि उसे घुर घोर क्षति हो सकती है अथवा कारित की जा सकती है चूंकि यह न तो मृत्यु की आशंका थी न तो घोर क्षति की आशंका थी अतः ऐसी परिस्थितियों में नाथन के द्वारा जो बल प्रयोग किया गया वह ज़्यादा था और उन्हें भारतीय दन संहिता की धारा 304 के अंतर्गत आपराधिक मानववध के लिए उत्तरदायी ठहराया गया तो मैं बता रहा था उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण वाद जिसके माध्यम से ये बताने का प्रयास कर रहा था कि संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के विस्तार में कब हमलावर की मितुकायद की जा सकती है कब पहला केस बताया नाथन बनाम मद्रास राज्य की दूसरा इस पर महत्वपूर्ण वाद है मुंशी राम बनाम दिल्ली प्रशासन ए आई आर सुप्रीम कोर्ट इस वाद में मुंशी राम एक संपत्ति पर काबिज है दैट प्रॉपर्टी वॉज इन पोजिशन ऑफ मुंशी राम वह संपत्ति मुंशी राम के कब्ज़े में है वह बोनाफाइड कब्जाधारी है परंतु उस प्रॉपर्टी को नीलामी में बिड में मृतक के द्वारा प्राप्त कर लिया गया और मृतक पक्षकार के द्वारा मृतक व्यक्ति के द्वारा अपने लोगों के माध्यम से अभियुक्त की अभियुक्त को उससे कब्जे से बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है उस प्रॉपर्टी को उससे जबरदस्ती बलपूर्वक लेने का प्रयास किया गया यद्यप कि बिड के माध्यम से नीलामी के माध्यम से मृतक व्यक्ति को यह अधिकार मिल गया था कि वह उस प्रॉपर्टी को अपने पास ले ले कब्जा ले ले परंतु चूंकि विवाद घटना के दिन उस प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा मुंशी राम का था और वह पहले से उस संपत्ति पर कब्ज़ाधारी था तो यह कानूनी रूप से मृतक परिवार को ये चाहिए था कि वह विधिक सहायता के माध्यम से जो उसके ड्यू प्रोसेस हैं उचित प्रक्रिया है उसे मजिस्ट्रेट को सूचना देते कि मुझे चूंकि अधिकार मिल गया संपत्ति पर कब्ज़ा लेने का बावजूद इस व्यक्ति को मुंशी राम को इस कब्जे से इस संपत्ति से बेदखल किया जाए और यह न करते हुए नीलामी के उस दस्तावेज़ के आधार पर मृतक के द्वारा संपत्ति पर कब्ज़ा करने का प्रयास किया गया और इस दौरान अभियुक्त के द्वारा उस पर हमला करने से उसकी मृत्यु हो जाती है ये माना गया कि यद्यप कि वह जो है, जो व्यक्ति कब्जा बनाया हुआ है उस पर वह कब्जा का अधिकारी नहीं है लेकिन जो तरीका मृतक व्यक्ति के द्वारा अपनाया गया बलपूर्वक उस प्रॉपर्टी को कब्जा लेने का यह अधिकार प्रदान करता था मुंशी राम को उस प्रॉपर्टी पर कब्जा बने रहने का संपत्ति पर कब्जा बने रहने का अतः उच्चतम न्यायालय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि प्रस्तुत मामले में यह एग्रेसर को ये जो ट्रेसपासर है उसको भी अधिकार है कि अपनी संपत्ति को बचाने के लिए कब्जे को अगर वह लाफुल लीगली अगर पोजीशन में है उसकी प्रॉपर्टी तो भले ही वह ट्रेसपासर हो गया जैसे उदाहरण के रूप में कि अगर एक वर्ष के लिए किसी ने पट्टे पर जमीन ली पैसा दे करके एक वर्ष एक माह हो गया तो एक वर्ष की अवधि के, के पश्चात व्यक्ति जो लेजी है जिसने पट्टा लिया है वह अब उस भूमि पर ट्रेसपासर हो गया क्योंकि एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात उसका पट्टा समाप्त हो गया और उसे स्वयं उसका कब्ज़ा छोड़ देना चाहिए अगर वह कब्ज़ा नहीं छोड़ता है उस पर कोई फसल लगी हुई है तो वह उस फसल को उकाने का अधिकारी है लेकिन एक वर्ष के पश्चात उस भूमि पर वह पट्टाधारी ट्रेसपासर माना जाएगा अतिचारी माना जाएगा कानून की नज़र में वह उस पर रहने का अधिकारी नहीं है तो इस प्रस्तुत मामले में भी ये माना गया कि अभियुक्त के द्वारा जो बल प्रयोग किया गया अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए वह बल प्रयोग करना उसका जायज है और इस सीमा तक बल प्रयोग किया जा सकता है तीसरा इसमें महत्वपूर्ण केस जो है वह है पूरन सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस है जो ए आई सुप्रीम कोर्ट पूरन सिंह केस के मामले में भी उच्चतम न्यायालय ने कुछ दिशा निर्देश दिए जो दिशा निर्देश में मैं कुछ बताने का प्रयास करूंगा इस केस में जो सबसे महत्वपूर्ण दिशा निर्देश ये था कि ट्रेसपासर जो है उसके उसको भी अधिकार है अपनी प्रॉपर्टी अपने कब्ज़े को मेंटेन करने का धारा 103 या धारा 104 के अंतर्गत यह अधिकार नहीं दिया गया है कि हम किसी भी संपत्ति पर जो कब्जाधारी है पहले से जो व्यक्ति कब्जा मेंटेन कर आ रहा है हम उस कब्ज़ेधारी को वहाँ से बेदखल करके और ज़बरदस्ती उसकी भूमि पर काबिज़ हो जाएँ कब्ज़ेधारी को बेदखल करने के लिए कानूनी प्रक्रिया है कि हम उसको मजिस्ट्रेट को समझ कोर्ट में जाएँ और उससे आवेदन करें कि इस व्यक्ति को इस कब्जे से बेदखल किया जाए और मुझसे इस पर काबिज़ कराया जाए ये कानूनी प्रक्रिया है कानून ये अधिकार नहीं देती कि मैं अपनी संपत्ति को कब्ज़े में लेने के लिए बलपूर्वक लेने के लिए सीमा इस सीमा तक बल प्रयोग कर दूं कि उसकी जान भी ले लूं कानून अधिकार नहीं देता तो ऐसी स्थिति में धारा 103 के अंतर्गत गृह अतिचार को कवर किया गया है आपराधिक अतिचार तो को नहीं कवर किया गया है दोनों में बेसिक अंतर यह है कि जब किसी भी व्यक्ति के द्वारा भवन स्वामी की अनुमति के बिना यदि भवन में प्रवेश किया जाए तो वह हाउस ट्रेस पास है गृह अतिचार माना जाएगा गृह स्वामी की अनुमति के बिना उसके घर में प्रवेश करना एक अपराध है जिसको हाउस ट्रेस पास बोलते हैं गृह अतिचार बोलते हैं और आपराधिक अतिचार यह है कि जब किसी भी व्यक्ति के निजी जमीन पर भवन नहीं निजी जमीन पर यदि उसकी अनुमति के बिना वहाँ प्रवेश किया जाए और वहाँ रह करके उसे एनवाय किया जाए इस प्रकार के कृत्य किए जाएं तो वह क्रिमिनल ट्रेसपास आपराधिक अतिचार माना जाएगा और ऐसी स्थिति में आपराधिक अतिचार में बल प्रयोग मृत अतिचार के मृत्यु कार्य करने तक धारा शक्ति नहीं देती अर्थात अब यह होता है कि अगर गृह आपराधिक अतिचार में ओपन लैंड पर अगर अतिचारी है तो उसको बेदखल करने का एक ही तरीका है कि हम अपराध विधि के अंतर्गत जो ड्यू कोर्स है उसको फॉलो करें जो ड्यू प्रोसीजर है उसको फॉलो करें मजिस्ट्रेट को सूचना दें और उसके परिवाद करें कंप्लेंट करें और उसे संपत्ति से बेदखल करने का प्रयास करें जब तक कि यदि हाउ यदि क्रिमिनल ट्रेसपास की स्थिति में आपराधिक अतिचार में यदि अतिचारी के द्वारा ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया गया है जिससे मुझे मृत्यु या घोर उफ की आशंका प्रतीत हो रही है तो मैं उस अतिचारी की मृत्यु कारित कर सकता हूं और ये कार्य मेरा संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा अच्छा के अंतर्गत नहीं आएगा बल्कि यह यह जो प्रोटेक्शन मुझे मिलेगा यह धारा सौ का लाभ मुझे मिलेगा कि ट्रिस्पास तो है आपराधिक अतिचार है लेकिन आपराधिक अतिचार की स्थिति में अतिचारी ने ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर दिया कि मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि या तो मेरी वह घोर क्षति कारित कर देगा प्राणघातक हमला कर देगा घोर क्षति कारित कर देगा या मेरी मृत्यु कारित करने का प्रयास करता है अटेम्प्ट टू मर्डर करने का प्रयास करता है तो मैं उस गृह उस आपराधिक अतिचार की स्थिति में अगर आपराधिक अतिचारी की मृत्यु कारित कर दूँ तब जब वह ऐसे कार्य करे जिससे मुझे मृत्यु की आशंका हो या घोर क्षति की आशंका हो तो मेरे द्वारा किया गया कार्य धारा 100 के अंतर्गत क्षम्य होगा न कि धारा 103, 104 के अंतर्गत क्षम्य होगा तो इन बुनियादी बातों को ध्यान में रखते हुए अब मैं इसको आई वुड लाइक टू समराइज क्विकली मैं इसको और संक्षेप में अब सम, समराइज करने का प्रयास करूं तो संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार की जब बात होगी तो सभी छात्रों को ये ध्यान देना है कि उसमें सेक्शन 96 पहले लिखेंगे 97 उसके बाद लिखेंगे 99 के जो तीन निर्बंधन हैं उसको लिखेंगे फिर उसके बाद धारा 103 के अंतर्गत जो चार कंडीशंस दी गई हैं उन चार कंडीशन में संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने तक कब होगा इसको लिखेंगे एंड देन आफ्टर धारा एक सौ चार की बात लिखेंगे कि संपत्ति के प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न अपहान कारित करने तक कब होगा अब इसको लिखने के पश्चात धारा एक के अंतर्गत लिखेंगे कि संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत कब प्रारंभ होगा और कब तक बना रहेगा और उसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे कि चोरी के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब बना रहेगा कब तक कब तक बना रहेगा लूट के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होगा कब तक बना रहेगा अग्नि द्वारा रजिस्ट्री के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार कब प्रारंभ होगा कब तक बना रहेगा एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और मुझे लगता है कि यदि इन बातों को सभी छात्र ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से वह चाहे प्रतियोगी कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो पी एस जे हो या आई पी ओ हो उन प्रतियोगी परीक्षाओं में वह प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों में क्वालिफाई कर सकेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इस क्रम को यदि पालन करें तो निश्चित रूप से उनको परीक्षा में सफलता मिलेंगी और संपत्ति के विरुद्ध अधिकार से संबंधित पूरी जो पूरे कानून है आईपीसी के अंतर्गत उसको मैंने बताने का प्रयास किया सुप्रीम कोर्ट के जो महत्वपूर्ण वाद हैं नाथन बनाम मद्रास राज का केस मुंशी राम बनाम दिल्ली प्रशासन का केस पूरन सिंह बनाम पंजाब राज्य का केस इन तीनों महत्वपूर्ण वादों के माध्यम से मैं पूरा बताने का प्रयास किया कि संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार में अधिकार का विस्तार मृत्यु कार्य करने तक कब हो सकता है मृत्यु से भिन्न कब अपहान की जा सकती है निश्चित रूप से मुझे ऐसा विश्वास है कि इस स्लाइड के माध्यम से व्याख्यान के माध्यम से आप सभी संपत्ति के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा अच्छा के अधिकार से संबंधित सभी पहलुओं पर यदि इसको दिस्कत करते हैं इसको ध्यान में रखेंगे तो निश्चित रूप से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता हासिल होगी थैंक यू धन्यवाद